हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं नहा धो के अच्छे से रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ हिसार। एक्चुअली जो बाइक है उसकी सर्विस करानी है, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 9 महीने में सिर्फ एक ही सर्विस कराई, पहली सर्विस जो फ्री होती है, दूसरी सर्विस कराई नहीं है, ऐसी चला रहा हूँ मैं उसको। फिर आज जाते हैं, क्योंकि अभी पारस भैया भी जा रहे हैं तो उनके साथ में जाएंगे, उनको भी इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं और पीयूष जाएंगे। पीयूष अभी कैमरामैन बना हुआ है मेरा, तो अभी चलते हैं। लेकिन ओरियो को चल गया पता कि कहीं ना कहीं जा रहे हैं, इसलिए ओरियो देखो मेरे पास आगे खड़ा हो गया। जो भी मैं जूते डालता हूँ ना, इसको तो जाता पता, जूते डाल रहा है भाई, ये तो जा रहा है आज कहीं। हाँ और चलेगा बाय द वे, स्टूडियो बिल्कुल बिखरा पड़ा है पूरा, देखना, बट इसको आके ठीक करेंगे, अभी तो अभी टाइम नहीं है। तो अभी हम नीचे आए तो देखा कोई भी नहीं है घर में, तो अब ओरियो के साथ में कौन रहे अगर हम भी चले गए तो। मम्मी पापा मार्केट गए हैं, साहिली पता नहीं कहीं गया है, तो हम ऐसे तो जा नहीं सकते जब तक कोई आएगा नहीं। ओरियो को अकेले छोड़ के तो जा नहीं सकते यार। मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, 12:30 बज चुके हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया, मम्मी पापा ना साहिल, फोन कर रहा हूँ फोन भी नहीं उठा रहे, और पारस भैया कह रहे हैं कि आजा आजा, अब कैसे जाऊँ मैं ओरियो को छोड़ के। एक काम करते, तू अकेले घर रह ले। क्यों? मैं जा रहा हूँ। क्यों? मम्मी पापा तो आ नहीं रहे। तो रुक जा यार, पीछे लेट हो रहा हूँ मैं भाई, घर पे ओरियो के साथ में रहना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेले ही जाता हूँ, पीयूष को घर पे छोड़ देता हूँ, पीयूष ओरियो का ध्यान रख लेगा। अपन शाम को चलेंगे राइड पे, टेंशन ना ले, सर्विस करा के आता हूँ अच्छे से। ओलू सौदा जा रहे हैं, पीयूष दादा को ख्याल रखेंगे ठीक है, और ऊपर गेट भी बंद कर ले, कूलर चला ले, गर्मी लग रही होगी इसको। क्या पीछे समझा कर यार, नहीं ले आ सकता, समझा कर प्लीज यार, प्लीज ही समझा कर, घर में ओरियो देख बेचारा अकेला हो जाएगा यार। ओली बंद कर ले, कुंडा लगा ले अंदर से, खोलियो मत जब तक मम्मी पापा नहीं आएंगे। बहुत ही ज्यादा तेज धूप हो रही है, सही है पीयूष नहीं आया। पीयूष फोन कर रहा है। और विनोद किसार? हाँ बोल, सच्ची बता, आ रहा हूँ। वाह, सही टाइम पे मैं रुक गया, ज्यादा आगे तक नहीं गया था। मम्मी पापा आ चुके हैं, पीयूषी आ जा। तो फाइनली पीयूष भी आ चुका है, सही टाइम पे इसने मुझे फ़ोन कर दिया। अभी फिलहाल धूप जा चुकी है, मैं तो कहूँ ऐसे ही रहे मौसम, बारिश भी आ जाए यार चाहे, लेकिन गर्मी ना पड़े यार, बिकॉज पसीने से भीग चुका हूँ मैं इतने में ही। पारस भैया को फ़ोन करते हैं, भाई फ़ोन इतना हीट हो गया ना जेब में पड़े पड़े ही। तो भी पारस भैया यहीं आ रहे हैं यार, कहीं छाया भी नहीं है, छाया में लगा लेते अपन, ऊपर से हम मास्क और हेलमेट डाल के खड़े हैं इतनी गर्मी में। पीयूष ने तो हेलमेट भी उतार दिया भाई, पसीने से भीग गया, मैं भी भीग गया भाई पूरा अच्छे से। तो फाइनली पारस भी अभी आ गए हैं। हाँ पसीना हो गया यार, बहुत धूप हो रही है। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट इसका मिला नहीं यार, एक घूम हो गया हमारा हेलमेट है। हालत खराब होगी धूप में तो लिटरली। गर्मी में जल के हम पहुंच चुके हैं KTM शोरूम, पानी पिलाओ भाई पहले। तो अभी पारस भैया सोच रहे हैं ये वाली ड्यूक 200 लेने के लिए, अभी फिलहाल पारस भैया के पास ये वाली है, जो कि है स्पोर्ट्स बाइक और ये है नेकेड बाइक ठीक है, मेरे पास भी यही है, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है लॉन्ग टूर पे, स्टार्टिंग में ही ले लेते यही। तो अब हमारी फैमिली में ऑरेंज कलर भी आ जाएगा, वाइट तो था ही हमारे पास। फिलहाल अभी भैया पेमेंट वगैरह कर रहे हैं फाइनल, तो जब हमने डिलीवरी ली थी वो वाली वीडियो ये रही, 8 महीने पहले ली थी हमने, तो पेमेंट वगैरह कर दिया। फिलहाल अब चलते हैं कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है, 3 बज चुके हैं, अभी तो कुछ खाया ही नहीं, यहीं पे मैकडी है वहाँ पे चल देते हैं। तो फिलहाल सर्विस करानी दोनों बाइक की, बाइक तो सर्विस के लिए दे दिया, फिलहाल अभी हम ऑटो ढूंढ रहे हैं, जो कि ऑटो मिल चुका है, फिलहाल ऑटो में चलते हैं। पीयूषी बहुत टाइम के बाद, मैकडॉनल्ड्स सबवे क्या होता है ये? यहाँ तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो हम देखते क्या ऑर्डर करेंगे। तो ये ठंडा हमने नहीं मंगाया, हम तो नहीं खाएंगे भाई, हम सिर्फ बर्गर खाएंगे। तो अभी हम खा पी के आ गए हैं पैदल पैदल ही, जाते हुए तो ऑटो में गए थे, होपफुली हमारी बाइक सर्विस हो गई हो, फिर चलते हैं घर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन नई बाइक के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई के पास 2 बाइक हो गई है। तो अभी फिलहाल गाइस मौसम काफी बढ़िया हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई है, तो बाइक अच्छे से रेडी हो चुकी है फिलहाल, मतलब अब हमारे पास 2 कलर हो गए हैं, एक वाइट एक ऑरेंज, एंड जो अपनी वाली है वो यहाँ पे खड़ी है, अच्छे से सर्विस हो चुकी है, धुल भी चुकी है, बड़ी तरक्की पे हो यार, 1 ही महीने में 2 बाइक ले ली, वाह बधाई हो, ऐसी तरक्की करते रहो। तो भाई देखो कितनी मस्त लग रही है दोनों बाइक, मैंने साथ में खड़ी कर दी है, मेरे पास बैठेगा। अच्छा नई बाइक आई है तो नई बाइक पे बैठेगा। अभी शाम के बज रहे हैं 5:41, और जो मौसम हो रहा है ना, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है,
और ड्रिजलिंग भी हो रही है। आते हुए तो बहुत गर्मी हो रही थी, सूट कर रही है आप पे, सही सूट कर रही है। यहाँ तो बारिश आ रखी है, हिसार में बारिश नहीं आ रखी थी, आराम से चलनी पड़ेगी। बाकी रोड देखो कैसी लग रही है, गीली गीली रोड है पूरी। इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, लिटरली आते हुए इतनी गर्म हवा आ रही थी, जाते हुए इतनी ठंडी हवा, बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे रुके थे टॉल के पास में, और मेरी बाइक का हाल देखो, मैंने मडगार्ड हटा लिया और टेल भी हटवा ली। देखो जो नई वाली बाइक में टेल भी है, मडगार्ड भी है, बट मैंने हटवा लिए, तो मेरी बाइक का हाल देखो क्या हो गया, पूरा कीचड़ ऊपर तक। तो ये बारिश में दिक्कत आएगी इसमें, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे। सो अभी हमारी सिटी में एंटर कर लिया हमने, और यहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं है, देखना बिल्कुल बारिश ही नहीं आई यहाँ पे, तो सिर्फ हिसार में आई थी। तो अभी हम आए हैं पारस भैया के घर पे। क्या हुआ, काट लिया किसने? जेरी ने। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, उसको डरा दिया, काट दिया क्या, कहाँ पे काटा? आ जाओ लू जोरू। भाई ये तो सच्ची में काट रहा है, भाई ये काट क्यों रहा है? अबे उसको बाहर कर दिया है, हमको अंदर कर दिया है। बताओ ना क्या? ठंडा की चाय। कुछ नहीं पी के आए हम, जो भी फिर से पी लो। नहीं पी के आए, कुछ नहीं, नहीं ठंडा तो पीना ही नहीं हमको, कल आएंगे हम कल। तो अभी हम भैया के घर पे गए थे चाय वगैरह पी, और अब जा रहे हैं घर पे। कैसा लग रहा है? इसमें तो आप सही से बैठ सकते हो ना, उस वाली में बैठ नहीं सकते। बाय बाय। तो अभी अंधेरा हो चुका है और हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है यहाँ भी, तो यहाँ भी बारिश आ सकती है। फिलहाल जल्दी घर पहुँचते हैं, टाइम क्या हो गया, 7:17। नवीन शायद घर पे ही है, स्कूटी खड़ी है नवीन की। आ जाओ लू, शारदा आ गए हैं। क्या ले गए हो? तो आज डिनर में है ये क्या? ये क्या है? अम्मी पेठा चावल, मक्का दूध और मखाने हैं। रहने दो, रोटी मतलब रहने दो, इतने से काम हो जाएगा। तो अभी रात के बज चुके हैं 12, एडिटिंग मेरी हो गई है, ओरियो भी सो चुका है वहाँ पे आराम से। जैसे कि आपने आज के व्लॉग में देखा, हमारी बाइक्स अच्छे से रेडी हो चुकी हैं, मैंने अच्छे से सर्विस करा ली, ऑयल वगैरह सब चेंज होता है ना, क्योंकि अब हम अगर लॉन्ग टूर पर जाएंगे तो अच्छे से हमारी बाइक रेडी रहनी चाहिए ना, तो अच्छे से सर्विस करा ली मैंने, पहले ही करा ली वैसे तो, ताकि अगर जाएंगे, क्योंकि 1500 किलोमीटर तो हो ही जाएगा, तो अच्छे से बाइक रेडी है अब हमारी। और एक और ड्यूक भी आ चुकी है, बिल्कुल सेम व्हाइट और ऑरेंज कलर, मस्त लगेगी। पारस भैया को ना जो पुरानी RC है स्पोर्ट्स बाइक, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, हम लास्ट टाइम टूर पे गए थे ना, 300 किलोमीटर में ही हालत ख़राब हो गई थी उनकी। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो भी ड्यूक ही लेंगे, तो उन्होंने आज ड्यूक ले भी ली, मतलब दो बाइक एक महीने में दो बाइक ले डाली, उनका भी अलग ही सीन है। बट चलो जो भी है, काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो बस अब जल्दी से निकलते हैं, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, तो एक दो दिन मौसम भी सही रहेगा, तो गर्मी भी नहीं लगेगी, इतनी देर में निकल लेंगे हम पहाड़ों पे जहाँ भी जाएंगे, तो वो आप आने वाले ब्लॉग्स में देखना, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस फिलहाल यही सीन है अभी का, तो आज थोड़ा छोटा ब्लॉग बना, जितना भी बना है मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इनको निकालने में दिक्कत होती है, पीछे से पकड़ना पड़ता है।